नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट गुरु चैनल में मैं एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ देन इंट्राडे लेवल के साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के दिन मैं लेके आया हूं बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि कल के लिए एक सही तरीके से आपको बाइंग सेलिंग के दो स्टॉक ऐसे मैं बताऊँगा जिसमें एक शानदार पोजिशन बना के आप लोगों को प्रॉफिट बुक मिल सकता है। ठीक है, जिसमें मेरे कंटिन्यूसली जिस प्रकार से रिसर्च हुआ है उस लेवल पर मैंने जो आप लोगों को बताऊँगा वो आप देख सकते हो। ठीक है, आ गया था जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट करीबन 200 पॉइंट अब बंद हुआ। ठीक है, 12 स्टॉक ऐसे थे जो नेगेटिव थे और 38 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव बंद हुए। ठीक है ना, तो बेसिकली मैं आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले स्टॉक पे लेके चलता हूँ क्या है। ठीक है, सबसे पहला स्टॉक बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या है। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। ठीक है, एक्सिस बैंक का ये स्टॉक है, इस पर मैं लेके आया हूँ। एक्सिस बैंक का स्टॉक है दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये करीबन मेरे नज़र में 4 दिन से था। इसमें कैप पॉइंट व्यू पे पोजीशन बना है, ये मैं पूरा आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। लो, हाई, ओपन, प्रीवियस क्लोज और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है ये चेक कर सकते हो। आज शेयर शॉप वॉल्यूम में कितना ट्रेड हुआ है देख सकते हो, लैक में कितना हुआ है ये देख सकते हो और मार्केट कैपिटल चेक कर सकते हो। ये आपको सामने है ये तीनों चीज़। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए इसके चार्ट पॉइंट पे जहाँ मेरा रिसर्च हुआ है दो पॉइंट समझाता हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोगों को कंटिन्यूसली एक अच्छे से समझ में आएगा। दिन आने वाले दिनों में आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी पोजीशन बना के सही ढंग से काम कर सकते हो। बेसिकली आज आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें कितना शानदार मूवमेंट बना है। ठीक है, कंटिन्यूसली एक फॉल आया था जिसमें एक शानदार मार्केट में इसने मूवमेंट बना, तो ये इस लेवल तक जाने का है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दो पॉइंट बताता हूँ। एक मेरा इस पॉइंट पे रिसर्च हुआ, ठीक है दोस्तों, देन सेकंड स्टॉक ये वाला था। ठीक है, तो दोनों में जिस पॉइंट से रिसर्च होके मेरे को जो टारगेट प्राइस बना, जो स्टॉप लॉस बना है, वो मैं कल की डेट के लिए आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो कल की डेट में अगर ये आप लोगों को 689 या 89 के जितने भी ऊपर मिलता है आप इसको डेफिनेटली बाय करिए। ठीक है, इसमें करीबन 695 से 96 के बीच में, मैं 96 का टारगेट मेंटेन कर रहा हूँ 7 रुपये का। ठीक है, और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ तो 685 का इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले दोस्तों। बेसिकली मेरा डेली बेसिस पे यही अपडेट रहता है कि मेरा प्रॉफिट पे फोकस रहता है, ना कि स्टॉप लॉस पे फोकस रहता है। ठीक है, कभी 4 रुपये का भी स्टॉप लॉस रहता है, कभी 1:1 का भी रहता है, कभी 2:1 का भी रहता है। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा चिंता मत करिए। ठीक है ना, आइए सेकेंड स्टॉक पर लेके चलता हूँ दोस्तों। मेरा जो सेकेंड स्टॉक है वो जी लें, ठीक है, जील इंडस्ट्री का, ये आप देखते होंगे। ये स्टॉक भी करीबन मेरे पास कंटिन्यूसली 4 से 5 दिन से नज़र में था, मेरे वॉच लिस्ट में था, ये भी कंटिन्यूसली 4 से 5 दिन गिर रहा है। तो डेफिनेटली जो कल मार्केट का डे है उसमें भी डेफिनेटली ये कल की डेट में एक शानदार पोजीशन बना के अपने को एक शानदार पोजीशन दे सकता है। ठीक है ना दोस्तों, पहले देख लीजिए इसका जो करेंट मार्केट प्राइस था, प्रीवियस क्लोजिंग, ओपन, हाई और लो देख सकते हो। ठीक है, वैल्यू आप ट्रेड देख सकते हो कैसा कैसा हुआ है, शेयर्स में, लेक में, मार्केट कैपिटल चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके पॉइंट व्यू पे भी मैं रिसर्च बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली डेली बेसिस के अपडेट के लिए आपको बहुत सारे लेवल मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जिसे आप देख के आसानी से पोजीशन बना के काम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ही बात ये आती है दोस्तों कि आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे आप पहले डिस्कशन कर लीजिए करिए कि जो भी आप लेवल हमसे ले रहे हो, हमसे देख रहे हो, उन पर आप देख के उसके बाद ही उसमें पोजीशन बनाइए। ठीक है, अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आप भी थोड़ी देर पहले वॉच लिस्ट पर देखिए, देन उसके बाद ही इन स्टॉकों में इन्वेस्ट करिए। देन उसके बाद ही अगर आपको लगता है सही है तो आप इसमें पोजीशन बना के प्रॉफिट बुक कर सकते हो। डेफिनेटली स्टॉक ऑन चलते हैं तो हम, मेरा बोलने का मकसद यही है कि टारगेट का वेट मत करा करिए। आपको 2 रुपये, 5 रुपये या 6 रुपये मिल रहा है, टारगेट मैंने 10 रुपये का भी दिया है, अगर 5 रुपये भी मिल रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मेरा बताने का यही मतलब है। तो आइए मैं इस स्टॉक का पोजीशन बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए कितना शानदार चार्ट बना हुआ है अप डाउन का। ठीक है ना, तो
एक शानदार पोजीशन के साथ जो मेरा रिसर्च हुआ है कंटिन्यूसली जहां पर गिर के रिकवरी करता है स्टॉक वहीं पर हुआ है, ठीक है। और एक इस स्टॉक में यहाँ पर ये दोनों स्टॉक पे एक शानदार वॉल्यूम था, वॉल्यूम के साथ जो रिसर्च जो है मेरा एक जो है इस पॉइंट पे भी बंद हुआ, इसमें भी एक शानदार वॉल्यूम लेके ये स्टॉक बंद हुआ है। तो कल की डेट में भी इस स्टॉक में फिर से सेलिंग साइड का मोमेंट आ सकता है, इसमें ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं। अगर डेफिनेटली अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली अगर कल की डेट में ये आप लोगों को कल की डेट में 242 के नीचे अगर मिलता है तो डेफिनेटली सेल करिए दोस्तों। यहाँ पर 5 रुपये का टारगेट मेंटेन करिए, यहाँ पर करीबन 38 का, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस की बात करता हूँ तो यहाँ पर 244 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अब मैंने 2 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है, 5 रुपये का आपको टारगेट दिया। अगर ये मान लीजिए 42 से जाके 40 तक भी आता है तो आप डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक करिए, टारगेट का मत वेट करिए। मेरा स्टॉक मेरा यही है कि 7000 कंपनी जो है एनएससी में लिस्टेड है उसमें से बेस्ट कंपनी आपके लिए लेके आना इंट्राडे में और उसमें पोजीशन बना के प्रॉफिट बुक करना, यही है मेरा मकसद, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को क्लोज करते समय मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें।